हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एस के और आज आपके लिए करोसम वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो ये वीडियो होने वाली है अपकमिंग फ़ोन के बारे में। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, 5G सपोर्टेबल में आने वाला है और इसमें आप देखने वाले हैं काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर, काफ़ी अच्छी बैटरी होने वाली है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आप इसमें देखने पाएंगे और ये गेमिंग के काफ़ी औसम फ़ोन होने वाला है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये वीडियो होने वाली है लिनोवो की तरफ से। लिनोवो रीजेंट अगले महीने लॉन्च होने वाला है, काफ़ी औसम फ़ोन होने वाला है। ये अदर कंट्रीज़ में तो लॉन्च हो चुका है, वहाँ भी इसने काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस अपनी दे रखी है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से ही बात कर लेते हैं। काफ़ी औसम बिल्ड क्वालिटी होने वाली है, कलर्स भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। ये फ़ोन तो काफ़ी लुक में काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। इसमें आपको फ्रंट और बैक में ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगी, गोला ग्लास, 5th तक की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो इसका फ्रेम होने वाला है वो आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम होने वाला है। इसकी डिस्प्ले आने वाली है वो बजरलेस डिस्प्ले होने वाली है, 6.65 इंच की डिस्प्ले होने वाली है। फुल एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेशिंग रेट भी आप इसको देख पाएंगे और गोला ग्लास 5 तक की प्रोटेक्शन जो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं इसकी वेट की, तो वेट होने वाला है 239 ग्राम्स का वेट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो बैटरी दे रखी है वो होने वाली है 5000 mAh की बैटरी, नॉन रिमूवेबल बैटरी होने वाली है और ये लिथियम पॉलीमर्स की बैटरी होने वाली है। इसमें आपको जो फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा वो इसके अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, वो आप उसकी बाद में कर लेते हैं। तो आ जाते हैं सीधे चिप सेट की, तो चिप सेट इसमें आपको जो दे रखा है वो होना वाला है कोरकॉम स्नैपड्रैगन 885G प्रोसेसर। ये 5G सपोर्टेबल प्रोसेसर होने वाला है और ये 7nm में वर्क करने वाला है। इसमें जो आप OS देखेंगे वो होने वाला है एंड्रॉयड 10 बेस OS आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा वो ड्यूअल कैमरा होने वाला है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा प्लस 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायलेट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी औसम फ़ोटो खींचने के काम आ जाता है। इसमें जो आपको सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिलेगा वो होने वाला है पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा, पॉपअप भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो सीधे बात कर लेते हैं, इसमें आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट ये आने वाला है। तो बात कर लेते हैं सीधे इसकी रैम वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको 4 रैम वेरिएंट देखेंगे, उसी रैम वेरिएंट के हिसाब से आपको चार्जर भी डब्बे में मिलने वाला है। जो आपका 8GB रैम 128GB स्टोरेज होने वाला है, उसके साथ आपको 45W का चार्जर देखने को मिलेगा। 12GB रैम वेरिएंट में आपको 65W का चार्जर देखने को मिलेगा और ये 12GB रैम वेरिएंट में आपको दो दो स्टोरेज देखने को मिलेंगी, वो होने वाली है 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस रेट भी इन्हीं के हिसाब से आपको दे रखा है, जो 8GB रैम वाला है उसका प्राइस रेट 35,000 के अराउंड देखने को मिलेगा और 12GB वेरिएंट का आपको 40,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और इसका लास्ट वेरिएंट जो आपको देखने को मिलेगा वो होने वाला है 16GB रैम, इसमें आपको 512GB स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो चार्जर आपको देखने को मिलेगा वो होने वाला है 90W का आपको चार्जर देखने को मिलेगा और ये 90W का चार्जर 50% सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर देता है इस फ़ोन को। और इसमें आपको दोनों साइड से चार्जर यूज़ कर सकते हैं, इसमें टाइप सी पोर्ट दो जगह से दे रखा है। इसमें जो आपको कलर्स देखने को मिलेंगे वो 3 कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे इस फ़ोन के, वो होने वाला है रेड, ब्लू और वाइट, काफ़ी औसम ये कलर होने वाले हैं। इसका लुक तो काफ़ी औसम दे रखा है कंपनी ने और गेमिंग में भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी औसम आप कोई भी भारी भारी गेम इसमें खेल सकते हैं और ये 5G सपोर्टर में आता है। तो इसका जो 6GB रैम वेरिएंट था उसका प्राइस रेट आपको 50,000 के अराउंड 50,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी औसम ये फ़ोन आने वाला है। तो देखते हैं इसमें आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा जब ये लॉन्च होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी औसम वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।